बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हसन सतपारा गिलगित बल्तिस्तान के शहर सद्दू के नवाही गांव सतपारा दुनिया भर में कोह पैमाओं का घर से मशहूर है। सतपारा गांव गिलगित बल्तिस्तान के इलाके सद्दू से 10 किलोमीटर दूर पहाड़ों में वाकया है। सतपारा गांव कुदरती हुस्न से मालामाल है। चश्मों और आबशारों के बेहंगम शोर, सरसब्ज व दिलफरेब नज़ारे। सतपारा झील से चंद किलोमीटर दूर वाकया इलाका चश्मे खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। सतपारा वो जरखेज गांव है जहां से हर बार पाकिस्तानी कौम को एक ऐसा हीरो मिला जिसने न सिर्फ मुल्क का नाम रोशन किया बल्कि जहां भी मौका मिला यहां से ताल्लुक रखने वाले हीरोज ने दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों को अपने पैरों तले रौंदते हुए सर हलाली परचम लहराया, जिनमें हसन सतपारा और अली सतपारा के नाम नुमाया नजर आते हैं। आप देख रहे हैं इंसाइक्लोपीडिया की दुनिया अंचल अली के साथ हमारी न्यू वेब सीरीज जो की फरमाइशी सीरीज है और हमारे सब्सक्राइबर की फरमाइश पर तरतीब दी गई है, जिसमें से आज हम अपने सब्सक्राइबर आसिफ हसन सतपारा की फरमाइश पूरी कर रहे हैं। आसिफ हसन सतपारा कोई और नहीं बल्कि मशहूर कोह पैमा हसन सतपारा के बेटे हैं। शुमाली इलाका जात की खूबसूरती का सुनकर आपका भी वहां जाने का दिल मचलने लगा है और ख्यालों में खुद को पहाड़ों की चोटियों पर देख रहे हैं, मगर जरा नीचे उतरिए क्योंकि कोह पैमाई अब इतनी भी आसान नहीं। एक शेर तो आपने जरूर सुना होगा, बकरी चढ़ी पहाड़ पर और दूसरी तरफ से उतर गई। पाकिस्तान को कुदरत का एक बड़ा तोहफा मिला हुआ है पहाड़ों की सूरत में। दुनिया में 8,000 मीटर से बुलंद 14 पहाड़ हैं, जिनमें से 5 चोटियां पाकिस्तान में हैं। इनमें से दूसरी बुलंद तरीन चोटी केटू और 9वीं बुलंद तरीन चोटी नागा पर्वत भी पाकिस्तान में है। बाकी 3 चोटियां घाशाबरम 1, घाशाबरम 2 और ब्रॉड पीक भी है। नीज पाकिस्तान में 7,000 मीटर से बुलंद चोटियों की तादाद 108 है। 6,000 मीटर और इससे कम चोटियों के हवाले से अभी तक कोई तफ्ती सर्वे नहीं हुआ। गिलगित से 40 किलोमीटर दूर वो मकाम है जहां दुनिया के 3 बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले कोई हिमालय, कोई कराकरम और कोई हिंदू कर आपस में मिलते हैं। पाकिस्तान में कोह पैमाई के शोबे में वसी मौके हैं क्योंकि दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान और नेपाल ही ऐसे ममालिक हैं जहां बुलंद तरीन पहाड़ी चोटियां हैं। इसलिए यूरोप और दीगर ममालिक के कोह पैमान इन ममालिक का रुख करते हैं। कोह पैमाई एक महंगा बल्कि बहुत ही महंगा शौक है। यही वजह है कि बहुत से लोग ख्वाहिश के बावजूद चोटियां सर करने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं और बहुत कम लोग अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करते हैं। इन बाहिम्मत लोगों में से एक मशहूर मारूफ नाम हसन सतपारा का है। हसन सतपारा पाकिस्तान के शुमाली इलाके गिलगित बल्तिस्तान के शहर सद्दू के रहने वाले पाकिस्तानी कोह पैमा थे। उन्होंने 8,000 जिनमें माउंट एवरेस्ट समेत केटू, घाशाबरम, नागा पर्वत, ब्रॉड पीक को सर किया था। हसन सतपारा 3 अप्रैल 1963 में पैदा हुए। इनका ताल्लुक सद्दू के कुछ फासले पर वाकया सतपारा गांव से है। सतपारा के रहने वाले बुनियादी तौर पर पोटर का काम करते हैं। पोटर कोह पैमाओं का सामान लेकर इनके साथ जाते हैं, पहाड़ पर रास्ते तलाश करते हैं और ट्रैक पर रस्सियां लगाते हैं वगैरह वगैरह, और ये काम सतपारा के बाकी हंसे खेलते सर अंजाम देते हैं। बैन अल-अक़वामी कोह पैमा जब पाकिस्तान आते हैं तो इसी इलाके के लोगों की खिदमत हासिल करके पाकिस्तान के पहाड़ों को सर करते हैं। सतपारा गांव का नाम उस वक्त दुनिया के सामने आया जब उस गांव से ताल्लुक रखने वाले हसन सतपारा ने बतौर कोह पैमा कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। हसन सतपारा ने कोह पैमाई का आगाज 1994 में किया और 5 साल बाद 1999 में कातिल पहाड़ नागा पर्वत को सर करके पेशावर कोह पैमा बन गए। हसन सतपारा ने 2004 में केटू को सर किया। केटू एक ऐसा मुकाम है जहाँ चिरिंद प्रिंद की मौजूदगी तो दूर ऑक्सीजन भी बहुत कम है। केटू पर जिंदगी के आसार न होने के बराबर होते हैं और अगर सर्दियों की बात करें तो वहाँ 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हवा चलती है। मौसम सरमा में केटू का दर्जा हरारत -80 डिग्री तक पहुँच जाता है। ऐसे में अगर इंसान में बहुत ज्यादा कुव्वत मुदाफियत भी हो तो वहाँ मुश्किल से 10 से 12 घंटे ही गुजारा किया जा सका है। अगर इस दौरानिए से 5 मिनट ज्यादा भी इंसान वहाँ रुक जाए तो 99% मौत का खतरा उस पर मंडलाता रहता है। हसन सतपारा ने 2006 में घाशाबरम 1 और घाशाबरम 2 जबकि 2007 में ब्रॉड पीक को सर किया। 2007 तक हसन सतपारा ने पाकिस्तान में वाकया 8,000 मीटर से बुलंद 5 चोटियां मशीनी ऑक्सीजन की मदद के बगैर सर की थी। 2008 में हसन सतपारा को हुकूमत की तरफ से तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। इसके अलावा मुख्तलिफ एनजीओ की तरफ से भी गाहे बगाहे उन्हें एजाजात से नवाजा जाता रहा था। इसके अलावा
सबका वजीर आजम पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी को फरमा हसन सत्तारा को 50 लाख रुपए का चेक भी दिया था। ब्रॉड पीक सर करने के बाद हसन सत्तारा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मुझे ताउन हासिल हो तो मैं फखर से अपना झंडा माउंट एवरेस्ट की चोटी पर ले जाऊं। और 4 साल बाद उनका ये ख्वाब मई 2011 को माउंट एवरेस्ट की चोटी सर करके पूरा हुआ और चोटी सर करने वाले पाकिस्तान के दूसरे कोहपैमा बने। हसन सत्तारा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि 23 जनवरी 2009 में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की और कहा कि अगर वसाइल हो तो वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सर परचम लहराना चाहते हैं। इनकी इस ख्वाहिश को उस वक्त के सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने 80 लाख रुपए अदा करके पूरा कर दिया। माउंट एवरेस्ट सर करना कहना आसान और उस पर अमल करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हसन सत्तारा ने जो कहा वो कर दिखाया। कोई पैमाई करने के लिए जहाँ पैसा, शौक, जुनून, आलात वगैरह की जरूरत होती है, वहाँ पे कोह पैमा के अंदर ये खूबियाँ भी होनी चाहिए कि कोह पैमा की मौसमी हालात पर मजबूत ग्रिप होनी चाहिए, यानी वो सर्द मौसम या हवाओं वगैरह को बर्दाश्त कर सका हो। उसे पहाड़ की फिजिकल पोजीशन का भी इल्म हो कि कहाँ खतरनाक चढ़ाई है और कहाँ खाई, बर्फ की सूरत हाल क्या है, तोड़े कहाँ गिरते हैं, नींव पहाड़ पर बदलते मौसमों के हवाले से भी भरपूर मालूमात जरूरी है। अलावा अजय को पैमा की जिस्मानी हालत भी ठीक हो, उसने पहाड़ों पर चढ़ने के बकायदा तरबियत भी हासिल की हो। हसन सत्तारा ने 2011 में माउंट एवरेस्ट की चोटी को सर किया और बाद में अपने माउंट एवरेस्ट के सफर के मुतालिक एक इंटरव्यू में बताया। अप्रैल 2011 में हसन सत्तारा अपने छोटे भाई सादिक सत्तारा के हमरा नेपाल गए। मजीद बताया कि अल्लाह के हुक्म से बेस कैंप से कैंप 2, फिर कैंप 2 से कैंप 3 और कैंप 3 से बेस कैंप डायरेक्ट आ गया और इसमें टोटल 2 दिन लग गए। मजीद हसन सत्तारा ने बताया कि बेस कैंप वापस आने के बाद मौसम की खराबी की वजह से मजीद मैंने 13 दिन वेट किया, क्योंकि मेरे पास कोई वेदर रिपोर्ट नहीं थी, तो मैंने वहाँ मौजूद कॉलर से रब्ता किया और वेदर रिपोर्ट हासिल की। मौसम साफ हुआ तो फिर बेस कैंप से बेस कैंप 2 गया, फिर डायरेक्ट कैंप 4 गया। बकौल हसन सत्तारा के, सारे कॉलर जिनमें 47 या 48 नफर, यानी हर नफर में 8 या 9 या 10 लोग भी शामिल होते हैं, आधा एवरेस्ट पहुँच गए थे अल्लाह के हुक्म से रात 9 बजे टॉप के लिए रवाना हुए। तो हम लोग 100 सिमट के करीब पहुँच गए थे कि मौसम खराब हो गया। यहाँ पर मौसम खराब होने का मतलब है बादल आ जाते हैं, शदीद बर्फबारी, हवा की स्पीड 75 से 80 के करीब होती है, हवा इतनी तेज होती है कि इंसान को उड़ा कर ले जाती है। बकौल हसन सत्तारा के 45 के करीब नफर जिसमें सारे फॉरनर शामिल थे वापस आ गए। मैं रुक गया, मैंने सोचा कि मैं गरीब बंदा हूँ, दोबारा आने के मेरे पास गुंजाइश नहीं है और मुझे दोबारा कौन स्पॉन्सर करेगा। फिर मैंने अपने रब से दुआ की कि मेरी मदद फरमा या मुझे मार दे या मुझे चोटी पर पहुंचा दे, और मैंने रब के हुक्म से आगे मूव किया। मेरी हिम्मत और हौसले को देखकर बाकी लोगों में भी हिम्मत और हौसला आया और उन्होंने भी मेरे पीछे मूव किया, उनमें इंडियन और नेपाली शामिल थे। हसन सत्तारा ने बताया कि जब हम मंजिल के बहुत करीब होते हैं तो हम काफी मुश्किल से लड़ रहे होते हैं, जिनमें सबसे बड़ी मुश्किल मौसम, सरदर्द, थकन और थकन की वजह से जिस्म आपका साथ छोड़ता हुआ महसूस होता है, नींद, ऑक्सीजन भी कम होती है। हसन सत्तारा ने बताया कि उस वक्त हम अपने आप से लड़ते हुए और अपने आप को समझाते हुए हिम्मत और हौसले के साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ मूव करते हैं और मंजिल पर पहुंच जाते हैं। दुनिया की बुलंद तरीन और कातिल बर्फानी चोटियों को अपने अजम और हिम्मत से शिकस्त देने वाले आलमी शोहरत याफ्ता हसन सत्तारा ने 53 साल की उम्र में खून के सैतान जैसे मर्ज से शिकस्त खा गए और बिलाखिर 21 नवंबर 2016 को रावलपिंडी के CMH हॉस्पिटल में इंतकाल कर गए। इमरान खान की हुकूमत में सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने हसन सत्तारा को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा, जो कि उनके बेटे आसिफ हसन सत्तारा ने वसूल किया। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर को पैमा हसन सत्तारा के बेटे आसिफ हसन सत्तारा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि इनके वालिद ने महदूद वसाइल और हुकूमती सरपरस्ती के बगैर कई रिकॉर्ड बनाए और पोर्टर का काम करते थे और स्कर्टू में एक छोटी सी दुकान भी चलाते थे जहां कोह पैमाई का सामान फरोख किया जाता था। उन्होंने मजीद बताया कि मेरे वालिद को हुकूमत ने इस्लामाबाद में प्लॉट और घर देने का वादा किया था और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने इन्हें 10 कनाल जमीन भी देने का वादा किया था, लेकिन ये वादे कभी वफा नहीं हुए। मजीद आसिफ हसन सत्तारा का कहना
सुना था कि इनके वालिद हसन सरपारा ने 4 दिन में माउंट एवरेस्ट को सर किया। इसके अलावा 8,000 की 2 चोटियों को 5 दिन में सर करने के रिकॉर्ड बनाए। वो माउंट एवरेस्ट के 2 और ड्रॉप पे को बगैर मस्नूई ऑक्सीजन सर करने का मुनफरिद एजाज रखते हैं। मगर वो गैर मुल्की को पैमाओं के साथ पोर्टर का काम करके जिंदगी गुजारते थे और हुकूमत ने कभी इनकी माली मदद नहीं की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के निशान को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आप दोस्तों तक हमारी न्यू वीडियो बर वक्त पहुँच सके और हमारी वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लाइक एंड शेयर करने के साथ साथ अपना फीडबैक लाजमी दें। इसके साथ ही आंटी नली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।